विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है, जिसका क्लॉज H कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो साइंटिफिक टेंपर क्या है? वेबस्टर डिक्शनरी पर टेंपर शब्द का अर्थ है किसी भी एक समय पर आपकी मानसिक अवस्था, स्टेट ऑफ फीलिंग और फ्रेम ऑफ माइंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यदि हम इस अर्थ को साइंटिफिक के साथ जोड़ें तो साइंटिफिक टेंपर का मतलब एक तरह से बनता है वैज्ञानिक मानसिक अवस्था, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना, एक वैज्ञानिक सोच होना, अ साइंटिफिक स्टेट ऑफ माइंड, थिंकिंग साइंटिफिकली। प्राचीन भारत में खूब साइंटिफिक खोजें और तरक्की हुई, जैसे आयुर्वेद, धातुकर्म या मेटलर्जी, गणित, योग, ज्योतिष। हमें प्रमाण सहित पता है कि आर्यभट्ट, भास्कर, चरक, सुश्रुत इत्यादि, जिनके नाम आज भी जाने जाते हैं, इन सब ने साइंस का ही रास्ता लिया था। लेकिन आज इनको सामने रखकर छद्म हिंदूवादी नेता न जाने क्या क्या अनसाइंटिफिक बातें कहे जा रहे हैं। जिन लोगों को साइंटिफिक टेंपर को सबसे ज़्यादा महत्व देना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सौगंध उठाते हैं या जिनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करना, वही नेता हिंदू कल्चर में साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पर वाह वाह लूटने के चक्कर में साइंटिफिक टेंपर को ही मीलों पीछे छोड़ आए हैं। इनको साइंस की या धर्म की कितनी समझ है, आप खुद ही देखिए और खुद ही हिसाब लगाइए। श्री गणेश करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से। हम सब कर्ण के विषय में महाभारत में पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने थोड़ा सा और सोचना शुरू करें तो ध्यान में आएगा कि महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण माँ की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। हम इस पे हंस सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह हंसने की बात नहीं, यह है साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर बड़ा हमला, यह है साइंटिफिक टेंपर के ऊपर एक बड़ा हमला जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना होगा। इसके बाद एक एक करके साइंस के ऊपर और साइंटिफिक टेंपर के ऊपर लगातार हमले होते रहे। भारत की तकनीक का बखान करते करते यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। हम वायुयान की बात करते हैं, बदला कि रामचंद्र जी लौटे जब तो वो पुष्पक विमान से वापस आए, उसमें भी विमान था। हम हर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कहते हैं, सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे देख सकता हूं? उसका मतलब टेक्नोलॉजी थी। मिडिल में क्या हुआ नहीं हुआ बहुत कुछ चेंज हुई, किंतु उस जमाने में इस देश में वो टेक्नोलॉजी थी जो आज हम लोग जिसको लेके एनआईसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाके काम कर रहे हैं। ये तो था हमारे देश में। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं ये काम आप कर रहे हैं, किंतु ये काम आप लोगों ने आविष्कार पहले नहीं किया। इस देश में लाखों साल पहले ये आविष्कार हो चुका था। मैं गर्वबोध करता हूं मेरे को इस देश में जन्म हुआ है जो देश टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे आगे चल रहा था। आज के दिन में कुछ यूरोपियन कंट्री बोल सकता है ये टेक्नोलॉजी हमारा है, यूएस बोल सकता है ये हमारा है, इनका नहीं है, ये सब हमारा है। तो क्या ये गलतियां हैं? नहीं, मेरे ख्याल में गलतियां नहीं। जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं और जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आप ऐसे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों और उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सोची समझी साजिश है उस हमले की जो साइंटिफिक टेंपर और साइंटिफिक रैशनैलिटी पे किया जा रहा है। श्रीमान, अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया,
और दक्ष प्रजापति का सिर से अलग हो गया तो वो सर्जरी थी, जी थी वो पूरी दुनिया में, वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर एक है श्रीमान। ये सिलसिला हम रोज सुन रहे हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे बम्बार्डमेंट हो रहा हो, बारिश हो रही हो इन चीजों के हमारे ऊपर, और हमारा दिमाग सुन होता जा रहा हो। तो इसलिए जब कोई मिनिस्टर्स सारे इकट्ठा होकर के ये कहते हैं कि बारिश नहीं हुई, हवन के लिए इंतजाम अब स्टेट करेगी, तो कुछ अजीब नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल हो गया है। The Madhya Pradesh Minister of State for Women and Child Development, Lalita Yadav, allegedly married off two frogs as part of an elaborate ritual held at a temple in Chhatarpur on Friday to appease the rain gods. The minister, along with other BJP leaders, had organized an Ashad Utsav, and during this program, a priest in the presence of Yadav solemnized the marriage of frogs, which was followed by a huge feast. Iska asar ye padta hai ki wo organization जो दाबोल करके कत्ल की जिम्मेदार थी, उसको और तीन कत्ल करने की हिम्मत मिल जाती है। जो हमारे देश को ये लगातार कहते रहे हैं कि आपको नेशनलिस्ट होना चाहिए, आपको दुनिया में सर ऊंचा करना चाहिए देश का, वो देश दुनिया भर में हमारा सर लगातार नीचे कर रहे हैं। दूसरी बात, वो नई जेनरेशंस को ये बता रहे हैं कि तुम्हें लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं करने की जरूरत। हर भारतवासी हमारा ऐसा ही सोच होना चाहिए। मेरे माँ मेरे देश के पास लाखों साल पहले वो टेक्नोलॉजी थी, तो मैं गर्वबोध करूँगा ना दूसरों को करना चाहिए। हर आदमी को गर्वबोध करना चाहिए जो हम लोगों ने जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस मिट्टी में वो टेक्नोलॉजी व वो सोच था, तभी जाके ये हुई थी। खुद भी कन्फ्यूज्ड मत होइए और मानो दूसरे को भी कन्फ्यूज्ड मत करिए। क्या बचकानी बातें, ये हमारी मूढ़ताओं के प्रदर्शन है। कोई आज की मूढ़ता नहीं, बड़ी पुरानी बड़ी प्राचीन, इसकी जड़ें बड़ी गहरी। मैं किसी भी मूढ़ता को स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हो, मगर अद्भुत है हमारा देश, इस तरह की व्यर्थ की बातों को पूजे चला जाता है, इस तरह की व्यर्थ की बातों को सम्मान दिए चला जाता है। इन्हीं ने हमें जड़ किया है, इन्हीं अंधविश्वासों ने हमारी बुद्धिमत्ता को कुंठित कर दिया है, हमारे प्रतिभा की तलवार पर धार मार दी, बोथली कर दी हमारी प्रतिभा। जो लोग इस तरह की बातों को मान के चलेंगे, इनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती। मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि चाहिए, नया धर्म का बोध चाहिए, नई चेतना चाहिए, नई कथाएं चाहिए, नए अर्थ चाहिए, नए शास्त्र चाहिए, नया उद्बोध चाहिए, और जब तक ये ना होगा तब तक कोई आशा नहीं है।